नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। श्रावस्ती में सहकारिता सचिवों का अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। लगातार तीसरे दिन पीएसएफ कार्यालय में वो डटे रहे। सहकारिता सचिवों के हड़ताल से 18 के केंद्रों पर धान खरीद पूरी तरह से ठप दिखी। धान और गेहूं खरीद में कमीशन और लेबर चार्ज नहीं मिलने से नाराज हैं सचिव। पैसे के अभाव में भुखमरी पर सहकारिता सचिवों का परिवार पहुंच चुका है। मांग पूरी न होने तक सचिवों ने धरने की चेतावनी भी दी है। सहकारिता पर हमारे सभी साथी आज 3 दिनों से धरना पर हैं और हम सभी साथियों की मांग है कि हम लोगों का कमीशन 2 वर्षों से नहीं दिया जा रहा है। सभी अधिकारियों को हम लोग लिखित में भी दे चुके हैं, मौके में भी कह चुके हैं, सबको मिल चुके हैं। ऐसी कोई स्थिति परिस्थिति नहीं बनी जिसे हम लोगों को कमीशन दिया गया है। हम लोग ज़्यादा परेशान होकर फिर धरने पर बैठ गए हैं। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग धरने से नहीं उठने वाले हैं और ये हमारा धरना अनिश्चितकालीन चलेगा। धान खरीद का बहिष्कार रहेगा। सांसदी का ख्वाब दिल से सजा रहे भाजपा के पूर्व विधायक और मौजूदा गन्ना विकास और चीनी मिल राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार पर कई गंभीर आरोप लगे हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार में गन्ना विकास एवं चीनी मिल राज्य मंत्री बनाए गए पीलीभीत के सदर विधायक संजय सिंह गंगवार पर शहर की सबसे बड़ी एलएच शुगर फैक्ट्री के प्रधान प्रबंधक केवी शर्मा ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। तो पूरा मामला निकलकर सामने आया है। दरअसल गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। बता दें कि सांसदी का ख्वाब दिल से सजा रहे भाजपा के पूर्व विधायक और मौजूदा गन्ना विकास एवं चीनी मिल राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार में गन्ना विकास एवं चीनी मिल राज्य मंत्री बनाए गए पीलीभीत के सदर विधायक संजय सिंह गंगवार पर शहर की सबसे बड़ी एलएच शुगर फैक्ट्री के प्रधान प्रबंधक केवी शर्मा ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं मथुरा में हनुमान की मूर्ति चोरी हो गई है। रातों रात मूर्ति चोरी होने से लोगों में खासा आक्रोश है। कॉलोनी वासियों ने कॉलोनी में मंदिर बना रखा था। सुबह लोगों को हनुमान जी की मूर्ति नहीं दिखाई दी। मूर्ति कॉलोनी वासियों ने किसानों पर मूर्ति तोड़ ले जाने का आरोप लगाया है। रास्ते को लेकर कॉलोनी वासियों का किसानों से विवाद चल रहा था। थाना हाईवे क्षेत्र के ब्रज लक्ष्मी धाम कॉलोनी का ये पूरा मामला। गौंडा जिले में कटरा थाना क्षेत्र में भाई ने अपनी सगी बहन की धारदार हथियार से हत्या कर दी। इसके बाद आरोपी भाई सीधे थाने पहुंच गया। थाने में भाई ने कहा कि बहन प्रेम प्रसंग में थी इसलिए उसे मार दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। सवेरा हम गए पैसा दे के लौटे, अंदर से पल्ला बंद रहा, बिटिया का घोरा पल्ला खोले। उसके बाद हम घर में गए, घर के बाहर निकले तब फिर हमारे जो नाए माए फिर घर के अंदर गए। तब अरुण वैधु के लड़का अरुण के तयंकर करे और तिजोरी के बीच में खड़े मिले हमका। तब उनका हम पकड़ा, तब हमका पटक दिन अपना भाग गए। हम गरीब मने हमारे न परिवार है न कोई हमारे खानदान समझते। 7 दिनांक 2 नवंबर 2022 को थाना क्षेत्र कटरा बाजार अंतर्गत ग्राम दामोदरपुर मौजा नारायणपुर क्षेत्रांतर्गत एक भाई द्वारा अपनी बहन की शक के आधार पर गणा से मार कर हत्या कर दिया। मौके पर पुलिस पहुंच करके शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम हेतु भेजा जा रहा है। मां की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर मृतका के भाई कलीम उम्र लगभग 22 साल को हिरासत में लिया गया है। अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। वहीं हाथरस में बकरी चराते समय गौशाला के लिए बने तालाब में डूबने से मासूम की मौत हो गई। घंटों की मशक्कत के बाद मासूम बच्चे के शव को तालाब से बाहर निकाला गया। परिजन आनंद फानंद में मासूम को लेकर अस्पताल पहुंचे जहां डॉक्टर्स ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। सूचना पर आलटी विधायक पहुंचे, मृतक के घर परिवार को मदद का भरोसा दिलाया। मासूम के तालाब में डूबने की सूचना पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजती हुई नजर आई। कोतवाली सहपुर क्षेत्र के गांव लुधुई की पूरी घटना।
उत्तराखंड प्रदेश में पेरोई सत्र शुरू होने वाला है। मंगलौर क्षेत्र के लिबरहेड़ी उत्तम शुगर मिल किसान अपना गन्ना मिलों में डाल सकते हैं। पेराई सत्र शुरू होने से पहले लिबरहेड़ी गन्ना समिति अध्यक्ष प्रतिनिधि सुशील राठी ने गन्ना फैक्ट्री का निरीक्षण किया। किसानों को किसी भी तरह की कोई परेशानी न हो इसलिए गन्ना यार्ड का भी बारीकी से निरीक्षण किया। बरसात के दिनों में फैक्ट्री यार्ड में पानी जमा होने से यार्ड क्षतिग्रस्त हो गए थे, जिसको अब दुरुस्त कर लिया गया है। निरीक्षण करने पहुंचे समिति अध्यक्ष प्रतिनिधि सुशील राठी ने निर्देश दिए हैं। ये 9 नवंबर को उत्तम चीनी मिल का पेराई सत्र शुरू हो रहा है और चूंकि ये समिति में अधिकांश गन्ना इस समिति क्षेत्र का उत्तम चीनी मिल में जाता है, उसी के निमित्त आज हम अपने अधिकारियों को लेकर के मैं चीनी मिल गया था और वहाँ के यार्ड का हमने निरीक्षण किया। चूंकि बुग्गी यार्ड बहुत ज़्यादा ख़राब था, उसकी शिकायतें पिछले दिनों से काफ़ी थी, तो हमने उनको कहा था उसको ठीक कराने के लिए, उस पर उन्होंने ठीक कराया भी है लेकिन अभी पूर्ण रूप से कार्य नहीं हुए हैं। तो हमने उनको थोड़ा कहा भी है, बल्कि नाराज़गी भी हमारी हमने उनको नाराज़गी भी व्यक्त की कि भाई आपने फिर सत्र शुरू होने वाला है अभी तक ये नहीं किया, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि फैक्ट्री चलने से पहले से पूर्ण रूप से ठीक करा देंगे। और मैं वहाँ पर शौचालय और कैंटीन भी वहाँ पर देखी, तो उनको हमने कहा है कि इनको पूर्ण रूप से चीनी मिल चलने से पहले ठीक करा दें। और ऋषिकेश के व्यापारियों ने शहर के 3 लोगों पर आरटीआई लगाकर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया। व्यापारियों ने इस संबंध में देहरादून त्राहे से कोतवाली तक पहले जुलूस निकाला, फिर व्यापारी एकता जिंदाबाद के नारे लगाकर प्रदर्शन किया। इस दौरान व्यापारियों ने पुलिस को ज्ञापन देकर ब्लैकमेल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने मामले में जांच कर कार्रवाई करने का भरोसा व्यापारियों को दिलाया है। व्यापारियों ने पुलिस से जल्द मामले में कार्रवाई की मांग की है। कोतवाली रवि सैनी ने बताया कि व्यापारियों के प्रतिनिधिमंडल ने कोतवाली में उनसे मुलाकात की, उन्होंने अपनी मांग के संबंध में ज्ञापन सौंपा है। जिन लोगों के खिलाफ आरटीआई लगाकर ब्लैकमेल करने के आरोप लगे हैं उनकी जांच पुलिस ने शुरू कर दी है। जांच के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। संदेश भी भिजवाने की कोशिश की कई बार, लेकिन उनकी हिम्मत लगातार बढ़ती रही और एक गांधीवादी छवि के रूप में वो लगातार शहर के बीच में काम करते रहे कि ये अतिक्रमण है, शहर चौड़ा होना चाहिए, कि दुकानें हटनी चाहिए। नतीजा ये है कि बहुत सारे लोगों की दुकानें उजड़ गई, लोगों के घर में राशन के भी लाले पड़ गए हैं। और जहाँ तक मेरी बात है, मेरे साथ क्या हुआ मैं आपको ये बताता हूँ। मेरा आवास विकास में एक बहुत छोटा 85 मीटर गज का मकान है, वो मकान चूंकि बहुत जर्जर था तो उसको तोड़कर मैंने दोबारा बनाने की प्रक्रिया चालू की। और नगर निगम के पार्षद भी देवेंद्र भाई मेरे साथ हैं। नगर निगम का एक नोटिफिकेशन है नगर पालिका के समय से, 100 मीटर से अगर कम आपका कोई ज़मीन है तो आपको उसके लिए नक्शे की आवश्यकता नहीं है, बैंक भी उसमें लोन देता है। तो जब मेरा निर्माण चालू हुआ तो मेरा परिवार भी बड़ा है, माता जी है, मेरा भाई भी है, हम लोगों ने जब निर्माण आरम्भ किया तो एक दो लोग फोटो खींचने के लिए मौके पे आए, लेकिन मैंने लेबर को टाइट किया हुआ था कि यदि कोई आए तो पकड़ के बिठा लेना। साहब देखिए, पिछले कई वर्षों से शहर में देखने में आ रहा है कुछ दलाल लोग शहर में सक्रिय हो गए हैं, और जैसे ही शहर में कोई नया काम करना चाहता है, कोई व्यापारी भी काम करना चाहता है, तो वो उससे संबंधित विभागों में कंप्लेन करते हैं। और देखिए, व्यापारी काम कर रहा है कहीं उन्नी भी रह जाता है तो उसकी आड़ में उस व्यापारी को पूरा ब्लैकमेल करते हैं, उसका जीना दुश्वार करते हैं। जब वह आज भी संबंधित विभाग में जाता है तो वो कहते हैं हमें तो कोई मतलब नहीं, आप फलाने लोगों को सेट कर लो और आप हम उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा भाई। तो और अब खबर चमोली से, जहां महिला सशक्तिकरण और बाल कल्याण विभाग की पहल पर वन स्टॉप सेंटर का फायदा घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को मिल रहा है। एक ही छत के नीचे पीड़िता को विभाग की ओर से सभी सुविधाएं उपलब्ध की जा रही है। वन स्टॉप सेंटर के माध्यम से घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं की सहायता की जा रही है। चमोली जिले में 2019 से संचालित वन स्टॉप सेंटर के माध्यम से घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को चिकित्सा सुविधा, रहने की सुविधा, विधिक सहायता, पुलिस सहायता, परामर्श की सुविधा दी जा रही है। वन स्टॉप सेंटर की काउंसलर रश्मि बिश ने जानकारी देते हुए बताया कि 2019 से अभी 140 मामले आए हैं, जिसमें से 120 मामलों का निस्तारण किया जा चुका है। वहीं वन स्टॉप सेंटर में महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में भी जानकारी दी जा रही है। सेंटर मोस्टली घरेलू हिंसा के प्रकरण के लिए कार्य करता है। ये यहाँ पे उत्तराखंड, ये चमोली डिस्ट्रिक्ट में 2019 से हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। यहाँ पे मतलब जो भी घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाएं आती हैं उनको हम यहाँ पे सभी प्रकार की सुविधाएं देते हैं। जैसे मतलब एक ही खिड़की के नीचे, एक ही छत के नीचे एकल खिड़की योजना है ये, जिसमें हम महिलाओं को यहीं से
रहने के लिए आवास सुविधा भी देते हैं, जिसको कानूनी सुविधा चाहिए होती है उसको कानूनी सुविधा, पुलिस की सहायता भी देते हैं और न्यायालयिक सुविधा भी यहीं से देते हैं हम, और चिकित्सा सुविधा भी, सब सुविधाएं हम यहीं से प्रोवाइड करते हैं सभी महिलाओं को। सर अभी तक 2019 से अभी तक यहाँ पे 140 मामले आ चुके हैं, जिसमें से लगभग हमने 120 मामले निस्तारित कर चुके हैं हम यहाँ पे, 20 मामले अभी भी प्रोसेस में है अभी यहाँ पे, और कम से कम यहाँ पे 18 मामले हमारे अभी कोर्ट में चल रहे हैं। तो यहाँ पे ज़्यादातर तो घरेलू हिंसा के ही मामले आते हैं, हम घरेलू हिंसा में दोनों पक्षों की काउंसलिंग करते हैं, काउंसलर्स के साथ मिल करके दोनों पक्षों की काउंसलिंग करते हैं, काउंसलिंग से उनको जानकारियाँ देते हैं, कानूनी जानकारियाँ देते हैं कि भाई कानून से आपको फायदा होता तो कहीं नुकसान भी होगा, इसलिए उनकी काउंसलिंग कराई जाती है। कि हमारा मकसद यहाँ पर ये रहता है कि महिलाओं का घर बसे, इनका घर न उजड़े। तो यहाँ पर ये जिले में 2019 से ये वन स्टॉप सेंटर चल रहा है, इसमें अभी तक बताएं कि कितने मामले, 18 मामले कोर्ट में अभी चल रहे हैं। अभी मैं देखूंगी, अभी मेरे को एक महीना हुआ तो मैं देखूंगी कोर्ट में उन मामलों में क्या क्या हो रहा है, कितने निस्तारण हुए, तब आगे की जानकारी आपको बता दी जाएगी। जिलाधिकारी संभल ने खाद की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर कोई खाद की कालाबाजारी करता है तो उसके खिलाफ सीधे FIR दर्ज कराई जाएगी। वहीं खाद के संचालकों को भी स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि किसानों को खाद के लिए परेशान ना करें। दरअसल आपको बता दें कि समय खाद केंद्रों पर किसानों की खाद लेने की भीड़ लगी हुई है। संभल जिले के सभी खाद केंद्रों पर खाद को लेकर महामारी हो रही है। हालांकि जिला प्रशासन का दावा है कि किसानों को खाद के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। टोकन दे रखा है इन्होंने? नहीं मिला, टोकन भी नहीं मिला। टोकन दे रखा? टोकन नहीं मिला आपको? नहीं मिला टोकन भी। कल भी वापसी हो जाऊंगा। जितने भी हमारे खाद विक्रय केंद्र है वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करवाई जा रही है। वर्तमान में किसानों के द्वारा आलू की बुआई की जा रही है और यही एक समय होता है जिसमें सारे किसान एक साथ अपनी बुआई करते हैं, इसलिए खाद की डिमांड जो है वो काफ़ी अधिक है, जिसके कारण खाद की दुकानों पर भीड़ लगने की कुछ जगह पर देखा गया है। इसके संबंध में AR कोऑपरेटिव और जिला कृषि अधिकारी दोनों को मैंने सख्त निर्देश दिए हैं कि सभी संभल फर्टिलाइजर के NGO की महिला कर्मचारी से दिन दहाड़े लूट हुई है। बाइक सवार चार बदमाशों ने तमंचे की नोक पर वारदात को अंजाम दिया। दिन दहाड़े लूट की घटना से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस ने लूट की घटना में मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। दिन दहाड़े महिला से लूट की घटना का पूरा मामला संभल जिले के गुन्नौर कोतवाली क्षेत्र का है। बता दें कि यारा फर्टिलाइजर के NGO में कार्यरत महिला मंजू कुमारी अपने सहयोगी कर्मचारी नौबत सिंह के साथ बाइक पर सवार होकर ड्यूटी जा रही थी, तभी रजपुरा रोड पर पहुंचते ही बाइक सवार चार बदमाशों ने रोक लिया। पीड़ित कर्मचारी नौबत सिंह ने बताया कि बाइक सवार बदमाशों ने अवैध तमंचे के बल पर उन्हें रोका और महिला कर्मचारी मंजू कुमारी के पास से नगदी चेन लूट ली और फरार हो गए। हम जा रहे थे तो हमसे थोड़ी आगे चल रहे थे ये बाइक वाले, धीरे धीरे चल रहे थे, हम जैसे ही इनसे बाइक आगे निकाली इसके बाद उन्होंने जब ये पीछे रह गए तो कुछ दूर चलने के बाद हमारा पशु चिकित्सालय STP है, उसके बाद इन्होंने हमारी बाइक आगे लगाकर बाइक गिरा दी, हम गिर गए। उसके बाद दूसरी इनकी बाइक थी, दो लोग इनके साथ में और थे, चार लोग थे ये, तो दोनों मुझको पकड़ लिया, मेरे सीने पर तमंचा रख दिया और दो एक ने मैडम को पकड़ लिया। उसके बाद इन्होंने मैडम से दो कुंडल और एक सोने की चैन और 11,500 रुपये छीन लिए और छीन के ये लोग फरार हो गए। संभल में पुलिस प्रशासन ने देव व्यापार की सूचना पर ओयो होटल में छापा मारा, जहां पुलिस ने 7 युवक और 7 युवतियों को मौके से पकड़ा है। वहीं होटल मैनेजर को भी पुलिस ने हिरासत में लिया। पुलिस ने सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर होटल को सील करने की कार्रवाई की है। संभल सदर कोतवाली क्षेत्र के चंदौसी मार्ग से एक ओयो होटल में SDM विनय मिश्रा और CO जितेंद्र कुमार को देव व्यापार की सूचना मिली थी, जिसके बाद दोनों अधिकारियों ने पुलिस फोर्स के साथ मिलकर होटल में छापा मारा। आज दोपहर थाना कोतवाली संभल पुलिस को एक ओयो होटल में अवैध कृत्य किए जाने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर थाना कोतवाली पुलिस द्वारा ओयो होटल पर छापेमारी की गई। तो इस छापेमारी के दौरान 7 पुरुष एवं 7 स्त्री आपत्तिजनक अवस्था में मिले,
इस संदर्भ में सूचना के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है, शीघ्र ही जांच करते हुए प्रकरण में कठोर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।